धुआंधार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे PSIT के फुटब्रिज पर खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। आपका नाम जी? रोहित राजपूत। रोहित राजपूत जी, और आपका? नीतीश। नीतीश, तो रोहित क्या काम है आपको PSIT में, और आप किस चीज़ की तैयारी या पढ़ाई या किस काम से जा रहे हैं? तो हमारा काम ये है कि अभी स्कॉलरशिप के फॉर्म आने वाले हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बैंक में भी काम है और कुछ किताबें वगैरह जो हॉस्टल में भूल गए हैं वो वापस लेने के लिए। बैंक SBI जी। और आप? अरे हॉस्टल में आए थे, काम था, कुछ सामान लेने था। सामान के पर्पज़ से आप यहाँ पे आए हैं? आप भी वही पढ़ाई करते हैं? हाँ, BTEC ही कर रहे हैं। BTEC हैं, कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर में है। तो क्या लगता है आपको, ये कॉलेज अगर कोई नया है और यहाँ पे आया है जो कानपुर से नहीं है, उसको क्या सजेस्ट करेंगे? कॉलेज ठीक है, एवरेज है? नहीं, अगर वो कानपुर से, इसलिए मत बोलिए क्योंकि आपका कॉलेज है तो हम ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं। रियल एकदम रियल, जेन्युइन। हमारे चैनल में जेन्युइन रिव्यू दिए जाते हैं, तो जेन्युइन बोलिए। अगर वो कानपुर से आया हो तब तो चलो ठीक है, उसका बाहर ना जाने का इरादा है तब तो ये कॉलेज सही है। बट अगर वो कानपुर से कहीं दूसरी सिटी से यहाँ पर आया है, फिर तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गाजियाबाद और नोएडा जा सकते हैं। तो अगर कोई PSIT से देख रहा हो तो इनको कुछ करना नहीं, ये अपना रिव्यू दे रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी यही विचार है, सेम नहीं करना चाहिए जो बाहर से आएगा उसको। दूर से आप दूसरे शहर से आए हैं और यहाँ कानपुर में लेंगे, ये भी एक एवरेज कॉलेज है नोएडा गाजियाबाद की तरह ही। तो आप अगर नोएडा गाजियाबाद या आपके शहर में कोई इस तरह के कॉलेज, ज़्यादातर शहरों में एक एवरेज कॉलेज प्राइवेट मिल ही जाता है, तो आप इतनी दूर फालतू में क्यों आए? हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई दूर से आता है तो उसके लिए कॉलेज सही नहीं है या सुटेबल नहीं है, ये वहाँ के स्टूडेंट बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो अगर कॉलेज से कोई देख रहा है तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है PSIT में। आप सभी लोग कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करिए कि यही स्टूडेंट PSIT को रिकमेंड करें बाहर के छात्रों के लिए भी। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का धुआंधार न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू। और एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए जो भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, और आपके दोस्त और आपके रिलेटिव्स, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार कैमरे में बोल दीजिए प्लीज़। सब लोग धुआंधार न्यूज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धुआंधार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।